नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम। और जेएनयू के अंदर जो तोड़फोड़ हुई थी, जो उपद्रव हुआ था, उसका अब पूरा का पूरा भांडा फूट गया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टिर्की और डीसीपी रंधावा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है, लेकिन चूंकि मीडिया की तरफ से और पूरे देश में राजनीतिज्ञों की तरफ से भी ये एंग्जाइटी हो रही थी, यानी कि उतावलापन दिखाया जा रहा था कि पुलिस क्या कर रही है, अब तक उनके नाम क्यों नहीं आए, दोषी क्यों नहीं पकड़े गए, कौन लोग थे जो नकाब के पीछे छुपकर कायरतापूर्वक ये हमले कर रहे थे, और इसको लेकर विपक्ष जिस तरीके से हमलावर बना हुआ था और विपक्ष का साथ दे रहा था, बॉलीवुड का तमाम वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि ये कह रहा था कि आईसी घोष पीड़ित है, आईसी घोष पर हमला करने वाले वो राक्षस, वो नकाबपोश कौन थे। और अब जॉय टिर्की ने उन सभी के नाम खोल दिए। आज दिल्ली पुलिस ने 9 नकाबपोशों के नाम खोले हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं ये आयसा, AISF, DSU और SFI के सदस्य हैं। इनमें से एक तो पूर्व छात्र है जो अभी भी हॉस्टल में रह रहा है, जिसका जिक्र पहले होता रहा है कि JNU के हॉस्टल्स में जो छात्र नहीं हैं वो भी अवैध रूप से रहते हैं, और इसी का विरोध करने की वजह से जो नियम बनाए गए थे कि वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो बाहरी है, और उसी के बाद ये सब फीस के नाम पर हंगामा हुआ, जिसमें अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि जो लोगों ने हिंसा की थी उनके नाम अब सामने आए हैं, जिनमें चुन चुन कुमार है, पंकज मिश्रा है, योगेंद्र भारद्वाज, प्रिया रंजन, विकास पटेल, डोलन सामंतराय, आईसी घोष और सुचेता तालुकेदार। इनमें से दो तो ऐसे हैं जो वहाँ स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि स्टूडेंट काउंसलर हैं। और इस तरीके से पूरा खुलासा ये हो गया कि किस तरीके से इन लोगों ने हमला बोला। और जॉय टिर्की ने पूरी घटना भी बताई कि ये घटना 1 तारीख से शुरू हुई थी, कि जब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय ने नोटिस निकाला और उसके बाद बहुत से छात्र रजिस्ट्रेशन करने लगे। पहले 1 तारीख को सर्वर रूम पर धावा बोला गया, उसके बाद 3 तारीख को पीछे से खिड़की तोड़कर सर्वर रूम को धावा बोला गया और वहां के सर्वर को डाउन कर दिया गया। इसको लेकर पुलिस ने अब तक 6 FIR दर्ज किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया। उसके अलावा जिस तरीके से 4 तारीख को फिर हंगामा हुआ और 5 तारीख को सबसे बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें बहुत सारे नकाबपोश वहाँ पर आए और उन्होंने पेरियार हॉस्टल, साबरमती हॉस्टल में घुसकर उन सभी कमरों में लोगों को चुन चुन कर पीटा जिनकी उन्हें पहचान थी। तो जो ये कहा जा रहा था कि बाहर से गुंडे आए थे, पुलिस गुंडों को लेकर आई थी, जैसा कि दिल्ली के सड़क छाप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, ऐसा ही दावा असदुद्दीन ओवैसी कर रहा था, और ऐसे ही दावे कर रहे थे बॉलीवुड के अनुराग कश्यप टाइप के दीपिका पादुकोण, तो खैर वहाँ समर्थन में खड़ी हो गई थी, स्वरा भास्कर जैसे लोग भी ऐसे ही दावे कर रहे थे, और ऋचा चड्ढा से लेकर तमाम जो लोग थे, जावेद अख्तर जैसे लोग यही कह रहे थे कि इस तरीके से हमला हुआ है। और इस पूरे मामले में हम पहले से कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो साजिश है ये अरबन नक्सली गैंग की साजिश है, और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरी साजिश में लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग हैं SFI, आयसा, AISF और DSF के छात्रों ने ही ये सारा का सारा जो पूरा ड्रामा रचा था। और उसके बाद जब पकड़े जाने के भय से आईसी घोष ने, जैसा कि आरोप लग रहा था, पुलिस ने हालांकि ये कहा नहीं है, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आईसी घोष ने बचने के लिए अपने आप को घायल करके दिखाया, जिससे कि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। और बार बार जो भी व्यक्ति इस घटना की निंदा कर रहा है या इस पर सवाल उठा रहा है, खासकर कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो आईसी घोष का ही हवाला दे रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा घायल हुए छात्रों के नाम अभी तक किसी को पता नहीं चल पाए हैं, क्योंकि वो सभी ABVP के छात्र थे जिन्हें पीटा गया था। और वजह भी जॉय टिर्की ने बताई है कि जिन जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लोग लाइन में लगे थे, उन्हीं को चुन चुन कर पीटा गया है, उनको उनके हॉस्टल में जाकर पीटा गया है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस ने आज उन नकाबपोशों के चेहरे भी दिखा दिए और उनके पोस्टर जारी करके ये बता दिया कि इसमें कौन कौन लोग थे और उनकी पहचान उन्होंने वीडियो के माध्यम से की है। साथ ही जॉय टिर्की ने यह भी कहा कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने खुद वीडियो बनाया हो और जो ये कहता हो कि मैं गवाही दे रहा हूँ। हालांकि जो गवाह मिले हैं वो तस्दीक करने के लिए मिले हैं और वो बार बार जाँच कर रहे हैं। उनके पास कोई भी CCTV फुटेज इसलिए नहीं है क्योंकि इन नक्सली छात्रों ने, नक्सली गैंग के छात्रों ने उस सर्वर रूम को डाउन कर दिया था, जिससे वाईफाई से सारे के सारे CCTV कैमरे JNU कैंपस के कनेक्टेड थे। अब आप इस साजिश का पूरा क्वांटम समझ लीजिए
कि पहले सर्वर रूम को डाउन किया जाता है, उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सर्वर रूम सर्वर डाउन हो जाएगा तो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेगा। और इसी को लेकर दिल्ली का सड़क छाप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवाल उठाता है कि अगर वो लोग थे तो उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, और रिकॉर्डिंग नहीं है तो इसके पीछे दोषी कौन है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली पुलिस को ऊपर से आदेश थे, दिल्ली पुलिस इसमें दोषी नहीं है बल्कि वो लोग दोषी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। और उसी तरीके की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहा था, वो भी यही कह रहा था कि जो आईसी घोष है, जो छात्रा है, वो घायल हुई है, पुलिस ने उसी के ऊपर एफआईआर कर दी, जबकि पुलिस पहले से स्पष्ट कर चुकी थी कि इस मामले में एफआईआर नहीं की है। एफआईआर जो पहले हुई थी आईसी घोष के ऊपर, वो हुई थी सर्वर रूम को हैक करने के वजह से, उसको डाउन करने की वजह से, उस पर हमला करने की वजह से, छात्रों को पीटने की वजह से, और इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलते हुए पूरा ड्रामा रचा, पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। और इसमें इनके साथ में टीवी के बड़े बड़े रिपोर्टर भी शामिल थे, जैसा हमने पहले दिन से बताया था कि किस तरीके से इस पूरी घटना में बरखा दत्त की जो भूमिका थी वो संदेह के घेरे में थी। उसने सबसे पहले इस तरीके के वीडियो और जो स्क्रीनशॉट थे वो शेयर किए थे, और उसने एक छात्र विशेष वर्ग था उसके ऊपर आरोप मर दिया था, जबकि जांच में अब ये सामने निकल कर आया है कि ज़्यादातर नकाबपोश SFI, ISA, AISF और DSF के ही छात्र थे। सीधे तौर पर यह पूरा भाड़ा खुलने के बाद अब बॉलीवुड के उन तमाम नामचीन लोगों को, जो अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ समझते हैं, अब देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे अनुराग कश्यप हो, ऋचा चड्ढा हो, स्वरा भास्कर हो, जावेद अख्तर हो, शबाना आजमी हो, या फिर राजनीति के वो लोग जो ड्रामा करने में माहिर हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, चाहे राहुल गांधी या उसकी बहन प्रियंका वाड्रा हो, सीताराम येचुरी हो, और या फिर बेकार की हवा में राजनीतिक पार्टी चलाने वाला योया उर्फ योगेंद्र यादव हो, जो सबसे पहले पहुंचा था JNU, और उसने भी एक डिसीजन सुना दिया था कि ये जो गुंडे हैं, ये जो आतंकवादी तक कहा गया था, ये जो आतंकवादी है जो नकाब पहनकर आए हैं, ये ABBP के सदस्य हैं, जबकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ABBP के छात्रों को पीटा गया था, और पीटने वाले थे नक्सली अरवन नक्सल गैंग के लोग, और ये साजिश का पता अभी पुलिस चला रही है, अभी पुलिस इसमें पूरे तार जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास में जो वीडियो फुटेज है या जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार सिक्योरिटी पर्सन से भी पूछा जा रहा है, उसके अलावा जो रजिस्टर हैं उनको भी खंगाला जा रहा है कि किसके साथ कौन आया था। क्योंकि पुलिस में जॉय टिर्की ने एक और बड़ी बात कही कि मैं यहाँ 4 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं सही ठिकाने पर एकदम से नहीं पहुँच पाता हूँ, इतना ज़्यादा भूल भुलैया जैसी स्थिति है, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहाँ वही व्यक्ति ये सब कर सकता है जो या तो JNU का छात्र हो या वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता जाता रहता हो। तो सीधे तौर पर विपक्ष का ये आरोप कि जो गुंडे थे वो बाहर से बुलाए गए थे, और इसमें एक ज़बरदस्ती एक नाम डाला गया था, हिंदू रक्षा दल, जिसके नाम से ये कहा गया था कि उसने जिम्मेदारी ले ली है। अब उस पर भी सवाल उठता है कि वो कौन से अखबार या चैनल थे जिन्होंने इस तरीके की स्टोरी को प्लांट करने में मदद की, जबकि अब पुलिस ने जो अभी तक जाँच की है उससे ये निकल के आया है कि ये वही लोग थे जो JNU में अब तक फीस वृद्धि के नाम पर उपद्रव मचा रहे थे, JNU प्रशासन के साथ टकराव कर रहे थे, जो सीधे हमले कर रहे थे छात्रों के, छात्रों को पीट रहे थे और खुलेआम ऐसा कर रहे थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने जब सर्वर रूम को एक तरीके से ताला लगा दिया, उसके बाद उन्होंने नकाब ओढ़कर यह सब करना शुरू किया। और एक और बात सामने आई कि जब दोपहर में घटना हुई थी, कुछ छात्रों को पीटा गया था, उसके बाद एक मीटिंग चल रही थी साबरमती ढाबा जो है, साबरमती हॉस्टल और दूसरे हॉस्टल के बीच में, वहाँ पर ये नकाबपोश पहले आते हैं, जो मीटिंग चल रही थी उन लोगों पर हमला करते हैं, और उसके बाद वो हॉस्टल्स में घुसते हैं, और हॉस्टल्स में जाकर एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट को पहचान पहचान कर पीटते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़कर घुसते हैं, दरवाजे तोड़कर घुसते हैं। तो इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये परंपरा चलाई थी राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जिनका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, और खासकर रक्षा सौदों के भ्रष्टाचार में डूबा है राहुल गांधी का पूरा परिवार, उसके बावजूद राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, उसी तरीके से उसी लाइन पर चलते हुए राहुल गांधी के समर्थित और प्रियंका वाड्रा की चहेती आईसी घोष ने भी ये ड्रामा रचा। पहले उसने छात्रों को पीटा, उनके अपने पूरे गिरोह को लेकर उनके ऊपर हमले किए, लाठी डंडों से उनको पीटा, और उसके बाद जब उसे लगा कि किसी तरीके से उसकी पहचान हो सकती है, उसके खिलाफ FIR हो सकती है, तो उसने खुद को घायल करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन अब ये विक्टिम कार्ड उसके गले में उल्टा पड़ गया है।
पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 6 एफआईआर किए और अब तक 2 बार आईसी घोष को बुलाया जा चुका है पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए, लेकिन आईसी नहीं पहुंची है। और इस मामले में अभी तक अगर आज आईसी घोष पुलिस के पास नहीं पहुंचती है जवाब देने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ वारंट भी जारी होगा और फिर से ये पूरा का पूरा अर्बन नक्सल गैंग, पूरा का पूरा विपक्ष एक विक्टिम कार्ड खेलेगा और ये कहेगा कि जो लड़की घायल हुई थी अब पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, इससे ज़्यादा तानाशाही क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा फांसीवाद क्या हो सकता है। तो ये पहले से उनका जो प्लान रहेगा वो यही रहेगा, लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी है और उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी जेएनयू के इन खतरनाक छात्रों के साथ रख रहे थे। ये लोग 35 से 40 साल तक रहने के बाद में देश की जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे पर अय्याशी करते हैं, अपने एक एक कमरे में तीन तीन चार चार अपने मित्रों को रखते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जब जांच होने की बात आती है तो कहते हैं कि ये हमला दूसरी पार्टी ने किया है, दूसरे छात्रों ने किया है, और फिर बीसी का इस्तीफा मांगने लगते हैं। लेकिन पुलिस अपनी जांच सही दिशा में आगे बढ़ा रही है और जैसा जॉय टिर्की और रंधावा ने कहा कि अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है, हम और भी लोगों को तलाश रहे हैं, अभी तक 8-9 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन हम जल्द ही उन सभी लोगों को पहचान लेंगे जिन्होंने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। और इसमें तमाम बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, लोगों को चोट पहुँचाना, उपद्रव करना, दंगा करना, तो इन धाराओं से अब ये उपद्रवी अरवन नक्सल गैंग के तथाकथित छात्र बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।